जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल जो छात्रों ने एक रैली निकाली थी पूरे झारखंड में कि कल झारखंड आज झारखंड बंद रहेगा, लेकिन अभी हजारीबाग में स्थिति सामान्य है, किसी भी जगह पे बंदी का कोई ऐसा असर नहीं है और छात्रों की ये जो बंदी है पूरी तरह से फेल होते दिख रही है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ और कल यहीं पर लोगों ने शाम में 7 बजे लगभग मशाल जुलूस निकाला था और यहाँ पे सड़क जाम करके ये आह्वान किया था कि कल झारखंड बंद रहेगा, छात्रों का ये आह्वान था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्थिति सामान्य है, यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं। कुछ देर पहले सुबह में कोर्रा चौक को जाम करने की कोशिश की गई थी कुछ छात्र थे, लेकिन फिर वहाँ से कोर्रा थाना के लोग आए, प्रभारी आए, समझाया उन्हें, फिर वहाँ से फिर वापस चले गए और अभी स्थिति सामान्य है। अभी हजारीबाग में कोई भी जगह पे कहीं भी बंदी का कोई असर नहीं है और पूरा शहर जो है वो उसी तरह से समान रूप से चल रहा है, खुला हुआ है और लोग आना जाना कर रहे हैं। शहर में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे युवा हैं, निकले हुए हैं और बंद कराने के लिए निकले हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। सुबह में कोर्रा मटवारी चौक जो है उसको जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी वहाँ भी स्थिति सामान्य है, जाम हटा दिया गया है और बाकी स्थिति नॉर्मल है। आप देख सकते हैं हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास जिस तरह से नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसी तरह से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा कोई बंदी ऐसा कोई स्थिति यहाँ पे हजारीबाग में अभी नहीं है। तो पूरा शहर का ही यही हाल है और दुकानें अपने टाइम से जो खुलती हैं उसी टाइम से खुली हैं इस तरह से निकल, लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति सामान्य हो गई है और यहाँ देखिए आप बसें भी चल रही हैं और लोग भी आना जाना लगातार कर रहे हैं। तो यही है, जो बंदी था, छात्रों ने जो बंदी किया था वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है और हजारीबाग में ही नहीं पूरे झारखंड में ही स्थिति इसी तरह की है, सामान्य है और नवा रही है। तो यही है, हजारीबाग में आज बंदी का असर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।